दिन ब दिन आरटीओ चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार बढ़ते जाता नजर आ रहा है। आरटीओ चेक पोस्ट पर हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नोटिफिकेशन जारी किया। जिन राज्यों में आरटीओ चेक पोस्ट है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जांच समिति के माध्यम से खत्म करने की बात कही है। जो समिति के अध्यक्ष है वह ही खुद परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार में है, जबकि समिति के सदस्यों को सब भ्रष्टाचार का पता है। मंत्री गडकरी ने चेक पोस्ट बंद करने का आदेश दिया तो, लेकिन समिति में अन्य लोगों को जैसे न्याय अधिकारी, जिला अधिकारियों, सेवानिवृत्त उच्च वर्गीय अधिकारियों का समावेश होना चाहिए था। यह एक दिखावा है जो इस तरह के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक वृत्त पत्र में प्रकाशित किया है परिवहन माफिया के संदर्भ में, अगर परिवहन माफिया पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में देश के सभी प्रकार के ट्रक चालक, मालिक और ट्रांसपोर्टर के साथ जन अभियान की शुरुआत करेंगे। ऐसी चेतावनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने की है। जैसे दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को रखना असंभव है, वैसे ही आरटीओ चेक पोस्ट की रखवाली की जिम्मेदारी उन अधिकारी को देना भी गलत है। कानून के दायरे में जो चालान बनते हैं वह बखूबी से वसूल करना चाहिए, लेकिन अवैध तरीके की वसूली लोकशाही और व्यापार क्षेत्र को धोखा देना सही नहीं है। तुरंत उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों का पर्दाफाश कर चेक पोस्ट बंद करके भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी मांग भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने की है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 3 महीने के अंदर आरटीओ बंद कर जाएंगे और उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिसको देखते हुए ये लगता है कि ये कमेटी बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से निकला था वो 8 महीने पहले निकला था। जब 8 महीने उन्होंने इसमें निकाल दिया और अभी 3 महीने टाइम और वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी उस कमेटी में उन्होंने कमिश्नर साहब के ही आदमी लिए हैं जो कि ये उनकी शेक से ही ये काम होता है, तो इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अगर सरकार को कुछ करना है और कुछ उसके लिए करना है, पब्लिक के लिए उनके मन में कुछ संपत्ति है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में उनको संपत्ति है, तो उनको तत्काल इस पे एक्शन करके चेक पोस्ट बंद करने चाहिए और जो वहां गलत हो रहा है उसकी स्पेशल इंक्वायरी बैठानी चाहिए, जिससे कि पब्लिक को राहत मिले और पब्लिक की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो आज बेड शिफ्ट में है उसके लिए कुछ काम हो सके। जय हिंद, जय भारत।